ऐसा मूव कर रहा है कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे, कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार, हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चलेगा। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदिशक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंसुरेशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं नहीं देखेगी, देखेगी वो, लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया। जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, अब पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना।